सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में महिलाओं के लिए बनाई जाने वाली क्रीम के बारे में हम सीखेंगे। उस क्रीम का नाम है क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल क्रीम और इसे क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल भी कहते हैं। यह क्रीम महिलाओं के जननांगों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लोट्रिमाजोल आपको स्किन क्रीम में, पेसर सीरीज में, जो वेजाइनल टेबलेट तथा वेजाइनल जेल या क्रीम में मिल जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल या क्रीम के बारे में सीखेंगे, और इसके अलावा मैंने इससे पहले क्लोट्रिमाजोल स्किन क्रीम के बारे में तथा पेसर सीरीज के बारे में वीडियो बना रखा है सेपरेटली। यदि आप में से कोई देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया, वहाँ पर भी क्लिक करके इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आप जान सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो हम जान लेते हैं, क्लोट्रिमाजोल जो क्रीम है इसको जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो किस नाम से आपको मिल जाती है। कई जगह पे तो यह क्रीम अपने जेनरिक नाम क्लोट्रिमाजोल से मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे ये अपने ब्रांड नेम से मिलती है। ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा कंपनियों द्वारा दवा को दिया जाता है। जो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इस क्रीम का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो कैंडिड वी जेल है। ये आपको फ्रीली कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाती है। इसके अलावा केनेस्टिन क्रीम, जिसे इनर जेल भी कहा जाता है, और इसके अलावा केनाजोल वीजी जेल करके भी एक क्रीम आती है जो इसकी एक पॉपुलर ब्रांड है। और जो मैंने तीन ब्रांड बताए, इसके अलावा भी हो सकता है कोई दूसरी ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल हो, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। लेकिन जो ब्रांड है एक ही जगह दूसरी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो वो आप खरीद सकते हैं। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह क्रीम आपको 2% वेट बाई वेट की स्ट्रेंथ में मिलती है, और जो इसकी पैकेजिंग है 30 ग्राम तथा 60 ग्राम की अलग अलग पैकेजिंग आती है। और 30 ग्राम की क्रीम की अगर इस प्राइस की बात की जाए तो लगभग 100 रुपये की इसकी MRP होती है। हो सकता है ऑनलाइन जब आप परचेज करें तो आपको कुछ 30% डिस्काउंट में मिल जाए। और जब भी आप ये क्रीम खरीदेंगे तो आपको इसके साथ में एक एप्लीकेटर मिलेगा जिसकी सहायता से इस क्रीम को लगाया जाता है, उसको आप लेना नहीं बोले। और किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में वीडियो के जो डोज का पार्ट है उसमें पूरी डिटेल से बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्रीम का प्रयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसकी क्या सावधानी रखनी होती है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जब इस क्रीम को लगाते हैं आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल क्रीम तथा जेल के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लोट्रिमाजोल एक एजोल ग्रुप की एंटीफंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लोट्रिमाजोल फंगस की सेल मेम्ब्रेन को खत्म करके फंगस की ग्रोथ को रोकता है और इन्फेक्शन को खत्म करके बीमारी को ठीक करने का कार्य करता है। अगर इस क्रीम के यूज़ की बात की जाए, जो क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल क्रीम है किन किन बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है, तो इस क्रीम का जो प्रयोग है महिलाओं के जननांगों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है, जैसे कि वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन या वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो महिलाओं के जननांगों में भीतरी तथा बाह्य दोनों ही भाग में देखा गया है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो उस समय महिला के जननांगों में स्वेलिंग रहेगी, सूजन हो सकती है, साथ ही इचिंग, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन भी हो सकती है। इसके साथ में महिला को थिक व्हाइट डिस्चार्ज मतलब गाढ़ा तरल सफ़ेद कलर का निकलता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा सामान्य दर्द महिला को हो सकता है, शारीरिक संबंध बनाते समय भी दर्द हो सकता है, और मूत्र त्यागते समय भी महिला को दर्द हो सकता है। ये कुछ इसके लक्षण है। साथ ही इस बीमारी को लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं लेने पर महिला को फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी समस्या आ सकती है, और यदि इसे समय पर ठीक नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे गर्भाशय तक पहुँच सकती है, जो बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो सकती है। इसलिए इस बीमारी को समय पर ठीक करें, और इसके ट्रीटमेंट में जो क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल क्रीम है, जो जेल है, बहुत ही अच्छा उपयोगी है, बहुत अच्छा अपना असर रखती है। इसके अलावा कई बार इसका प्रयोग स्किन फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, हालांकि उसके लिए स्किन क्रीम सेपरेट ले आती है, और हो सकता है जो मैंने यूज़ बताए उसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से किसी और बीमारी में इसका प्रयोग ले। दोस्तों अगर इस क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, जब इसको लगाते हैं क्या क्या दुष्परिणाम मिल सकते हैं, वैसे तो जो कॉमनली है इसके साइड इफेक्ट बहुत कम देखे गए, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। साइड इफेक्ट के तौर पर मरीज को जिस साइड पे इसको लगाया है, जननांगों पे लगाया है, वहाँ पे जो इचिंग है, जो रेडनेस है वो बढ़ जाएगी, जलन
वहाँ पे बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रयोग लेते हैं जब साइड इफेक्ट हो जाता है वो चीज़ें बढ़ जाती है। उसके अलावा मरीज को स्किन रेसेस हो सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन भी उसको हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग रहना, ये कुछ प्रॉब्लम उसको हो सकती है। साथ ही वेजाइनल ब्लीडिंग भी महिला को हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं जो मोस्ट कॉमन है। और सीरियस साइड इफेक्ट में कुछ और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, श्वास संबंधी दिक्कत रहना और भी बहुत कुछ। यदि ये या इसके अलावा कोई अनवांटेड अगर साइड इफेक्ट आपको मिले या अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस क्रीम को लगाना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जैसे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। फ्यूचर में इस क्रीम का प्रयोग आप नहीं करें। दोस्तों आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं इस क्रीम को किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसकी डोज रहती है। जब भी इस क्रीम को आप मेडिकल स्टोर से खरीदेंगे तो इसके साथ आपको एक एप्लीकेटर मिलेगा जो प्लास्टिक की पतली पाइपनुमा संरचना होती है। इसको जननांगों के भीतर क्रीम लगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और जब भी यह जो इन्फेक्शन आपको जननांगों के बाहरी भाग में सरफेस पे हो तो वहाँ पे उंगली की सहायता पर आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। और यह क्रीम अगर अवेलेबल नहीं हो तो क्लोट्रिमाजोल स्किन क्रीम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रीम को सामान्यतः डॉक्टर 5 दिनों से लगाकर 7 दिनों तक लगाने के लिए देते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर 7 दिन या 14 दिन और इससे ज़्यादा भी दिया जा सकते हैं। पेशेंट का जो इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अब जानते हैं इस क्रीम को किस तरह से लगाना है। इस क्रीम को लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को साबुन से धो लें और जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो आपको पिक्चर में दिख रहा है एप्लीकेटर को ट्यूब के बाहर लगाएं और जिस तरह से इंजेक्शन भरते हैं उस तरह से जितनी मात्रा आपको डॉक्टर ने एडवाइस की उतनी मात्रा भरें। सामान्य तौर पर 3 ग्राम से लगाकर 5 ग्राम एक बार में एप्लीकेटर में भरी जाती है। और सेकेंड स्टेप की अगर बात की जाए तो पेशेंट को बेड पर लेट जाना चाहिए और अपने घुटनों को चेस्ट के पास मोड़ लेना चाहिए, जैसे कि मैं स्क्रीन पे यहाँ पर पिक्चर दे रहा हूँ। और उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है उसमें जो एप्लीकेटर में दवा भरी है उसको जननांगों के भीतर पुश करें और इंजेक्शन के जैसे इसको इंजेक्ट कर दें और जिससे कि दवा जननांगों के अंदर चली जाएगी। और उसके बाद में एप्लीकेटर को आप निकाल लें और 2 से 5 मिनट तक आप लेटे रहें, जैसे कि जो दवा है मेल्ट होकर बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रह जाएगी। और फिर आप नॉर्मल पोस्चर में बैठ सकते हैं। और यदि आपने जो क्रीम खरीदी है उसके साथ में एक से ज़्यादा एप्लीकेटर आए हैं तो प्रत्येक बार आप नए एप्लीकेटर से ही एप्लीकेशन करें, उस क्रीम को लगाएं। और यदि आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेटर मिला उस क्रीम के साथ में तो प्रत्येक यूज़ के बाद में उस एप्लीकेटर को धोकर प्रयोग लें। और जब आप इस एप्लीकेटर की सहायता से जननांगों के भीतर इस क्रीम को लगाते हैं तो उस समय थोड़ी सी क्रीम सरफेस से भी लगा दें, क्योंकि जो इन्फेक्शन है थोड़ा बार भी आ सकता है तो वो भी एकदम से ट्रीट हो जाए। इस तरह से इस क्रीम को लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ इस क्रीम के जब यूज़ करते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस क्रीम की सावधानी के लिए या कुछ जो इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे वो ये है कि जब इस क्रीम का प्रयोग करते हैं तो क्या हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो इसका सीधा साधा जवाब है दोस्तों, इस क्रीम का प्रयोग करते समय आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है आपके साथी को भी हो सकता है। जब तक आपका पूरा फंगल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो जाए आप शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। इसके अलावा जो आप क्रीम प्रयोग कर रहे हैं किसी से भी शेयर नहीं करें, ऐसा नहीं किसी और को प्रॉब्लम है और आपने उसको शेयर करके दे दी। साथ ही यदि आप प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उतने ही दिनों तक करना है जितने दिनों तक आपके डॉक्टर ने आपको कहा है। साथ ही जब आप ये क्रीम लगाना शुरू करते हैं तो 3 दिन से लगाकर 5 दिनों के भीतर आपको कुछ इंप्रूवमेंट होने लग जाता है, मतलब इचिंग कम हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है, आप सोचने लग जाते हैं आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शुरुआती दौर है, ये इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन है काफ़ी लंबे समय के बाद ठीक होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है जितना डॉक्टर आपको दे कंप्लीट तौर से ले। साथ ही एक बात विशेष आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी महिलाओं को पिछले 6 महीनों में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा टाइम ये फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़ोर से बताएं, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा के या 1-2 मेडिसिन इसमें ऐड करके आपको पूरी तरह से बीमारी से निजात दिलाई जा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जो सावधानी मैंने बताई है ये आपको ज़ोर से ध्यान रखनी है। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल क्रीम, जिसे हम जेल भी कहते हैं, के बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वीडियो आपको ज़ोर से पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया जो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करते हैं, जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जो आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुफ्त में मेरे वीडियो आप देख पाएं। आप तो मेरे दोस्त मोहित आजी साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।